देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मन की बात में चार धाम की स्वच्छता पर की बात, स्वच्छता अभियान चला रहे तीन लोगों की तारीफ। चंपावत उपचुनाव के चलते भारत नेपाल बॉर्डर सील, 1 जून को खुलेगी सीमा। उर्स समापन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, देश में अमन चैन की मांगी दुआ। बाजपुर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में फैली गंदगी का भी जिक्र किया और इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग धार्मिक स्थलों में गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के उन लोगों की भी तारीफ की जो तन मन और धन से केदारनाथ और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐसे तीन लोगों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात रुद्रप्रयाग के रहने वाले मनोज बैजवाल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मनोज पिछले 25 सालों से पर्यावरण की देखरेख कर रहे हैं। गुप्तकाशी के रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। सुरेंद्र गुप्तकाशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं। सुरेंद्र ने स्वच्छता अभियान का नाम मन की बात रखा है। पीएम मोदी ने देवर गाँव की चंपा देवी का जिक्र किया। चंपा देवी पिछले 3 सालों से गाँव की महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा देवी ने अपने क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं। पीएम मोदी ने तीनों लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों के प्रयास से देवभूमि और पवित्र धार्मिक स्थल की देवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चार धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है।
चंपावत उपचुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। 31 मई को चंपावत मतदान होना है, जिसके चलते टनकपुर बारमदेव नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। चंपावत जिला प्रशासन का कहना है कि उपचुनाव के लिए मतदान के बाद 1 जून को दोबारा बॉर्डर को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा में हर किसी की नजरें टिकी हुई है। यहाँ उपचुनाव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख जुड़ी है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी भी मैदान में है। ऐसे में 31 मई को चंपावत विधानसभा के लिए मतदान होना है, लिहाजा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोड़े खच्चरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अनियमित तरीके से घोड़े खच्चरों का संचालन करने वाले संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुपालन मंत्री ने यात्रा मार्ग पर अनफिट घोड़े खच्चरों के संचालन को रोकने की बात भी कही है। रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर आए पशुपालन, दुग्ध और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा में हो रही घोड़े खच्चरों की मौत को गंभीरता से लेते हुए बेहतर प्रबंधन और कई नए फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में 20 लोगों की टीम तैनात रहेगी, जो घोड़े खच्चरों पर निगरानी रखेगी। साथ ही सस्ते दामों पर यहां दाना, चारा और जरूरी चीजें रखी जाएंगी, ताकि उन्हें पर्याप्त आराम और भोजन उपलब्ध कराया जा सके। हमने एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से जो हमारी व्यवस्था हो सकती थी, हमने 6 टीम डॉक्टरों की यहां पे खड़ा कर रखी है। डॉक्टरों की कभी कोई कमी नहीं है। कल रात की भी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमारे डॉक्टर जो है 1 बजे से रात से लेकर 6 बजे सुबह तक में 35 ऐसे घोड़े आए उनके पास जो कॉलिक की बीमारी से अफेक्टेड थे, उसमें 31 घोड़ों की जान बचाई गई है, सिर्फ 4 घोड़ों की डेथ हुई है। तो डॉक्टरों की टीम अपने मेरे विभाग की तरफ से ज़रूर जो हम लोग मदद कर सकते थे, डॉक्टरों की टीम भेजने में, दवाइयाँ भेजने में, कॉलिक की जो दवाइयाँ हैं हम उसका भी एक्स्ट्रा अब और कॉलिक की दवाइयाँ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 20 लाख रुपये की दवाइयाँ और उपलब्ध कराएंगे डिपार्टमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत कॉलिक की आ रही है। तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूर पानी की व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ पे मुझे लगता है चरी साफ ना होने के कारण पानी की व्यवस्था, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन देखिए, अगर जो व्यक्ति ओनर है उस खच्चर का, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस खच्चर की उस व्यक्ति की है, और जिस इनह्यूमन तरीके से उसने उस खच्चरों को ट्रीट कर रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए 2-3 दिन चक्कर लगाए जा रहे हैं, ऊपर से घोड़े को दौड़ा के नीचे लाया जा रहा है, घोड़े को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, घोड़े को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस घोड़े ओनर की है। तो हमने तभी आज ये फैसला किया है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो पाया जाएगा जिसके घोड़े की डेथ उसकी कमी की वजह से होगी, मालिक के एक्टिविटीज़ की कमी, उनके खिलाफ FIR भी करी जाएगी। और दूसरी चीज़, मैंने ये भी आज बताया है कि जो घोड़े की जब डेथ होगी उसमें हमारे डॉक्टर रिपोर्ट लगाएगा, और अगर रिपोर्ट में ये साबित होता है कि डॉक्टर जो व्यक्ति है जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी कमी की वजह से घोड़े की डेथ हुई है, तो जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो 60,000 रुपये उनको इंश्योरेंस का मिलता है, हम वो भी रोकेंगे। उत्तरकाशी जिले की पुराला विधानसभा में भाजपा विधायक द्वारा उप जिलाधिकारी को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में SDM ने अपनी जान को खतरा बताते हुए थाना पुराला में तहरीर देकर BJP विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। SDM ने आरोप लगाया कि जब वो 22 मई को मुख्य बाजार पहुंचे तो पुराला के विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और अभद्र भाषा का प्रयोग कर नोकझोंक की गई। SDM ने आरोप लगाया कि विधायक समय समय पर अपनी विधायकी का धौंस दिखाते हुए अवैध कार्य करवाने का अनावश्यक दबाव बनाते रहते हैं। वहीं अब इस मामले में शासन द्वारा जनहित में तत्काल प्रभाव से सोहन सिंह PCS को जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी से संबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, जिनकी दुकानें बंद होगी, जिनके जो धंधे बंद होंगे, जिनका करप्शन बंद होगा, वो तो FIR दर्ज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुराला SDM है वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं कि आज के डेट में देखिए, अगर एक विधायक पे जाके वो FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं तो जनता के क्या हाल होते होंगे, जनता के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनका जो अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप जहां पहले भी रहे हैं वहां भी विवादित रहे हैं, और यहां पे जनता के साथ इन्होंने हमेशा जो दुर्व्यवहार किया है। इनकी जो है पहले एक कंप्लेंट आई है, तो उस कंप्लेंट में सरासर उन्होंने जो अपने पद का और अधिकारों का जो है दुरुपयोग किया है। उन्होंने उसकी जांच ना करवा करके तथाकथित कुछ लोगों के साथ बैठ के सांठ गांठ करके उस जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरी बात, अब आज के कल की बात देखिएगे, कल मैं सडनली अपने क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम पे थे, वर्किंग डे में एक SDM सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी उसमें तेल, तमाम चीजें जो सरकार का जो धन का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे जुड्डू में विकास नगर से पहले में ना, मैंने उस बारे में अपने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से पूछा कि भाई आपका जो जिला उप जिलाधिकारी है, आपने कहीं
किसी काम से भेजा या छुट्टी लेके गया, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि इस तरीके से हमने हमारे से संज्ञान में कोई ऐसी बातें नहीं है, ना वो छुट्टी पे गया और वो सरकारी गाड़ी लेके हमेशा सैटरडे को वर्किंग डे को हम उनका घर विकास नगर में, वो विकास नगर जाते हैं और सरकारी धन और पैसे का तमाम चीज़ों का वो दुरुपयोग अपने पद के उसमें वो सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, जब उनको ये तमाम चीज़ें रही तो उन्होंने जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं थे, उन्होंने जो हम पे एक विधायक पे उन्होंने जो है जो FIR दर्ज करने की बात मुझे भी आपके आप जैसे मित्रों के माध्यम से पता चल रहा है और सोशल मीडिया से पता चल रहा है। तो देखिए अब इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है उससे पहले जो उनके तथाकथित जो एजेंट है जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया या न्यूज़ पे वायरल किया उनके खिलाफ और SDM के खिलाफ मैं महानानी का केस करूंगा, क्योंकि वो सरासर वो इसलिए परेशान है क्योंकि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। रानीखेत में कालू सैयद बाबा का 48वां उर्स समारोह का समापन हो गया है। कल देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मजार में जाकर चादर पोशी की। करण मेहरा ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो बचपन से ही इस मजार में आते रहे हैं। उन्होंने लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरित भी किया। उर्स में देर रात तक सूफियाना कवालों ने बाबा की शान में कवालियां पेश की। उर्स परिसर में खरीदारों की भी भीड़ दिखी। पीता है और जब बचपन में मैं बहुत शैतान होता था तो मेरी माँ हर बृहस्पतिवार को कालू सैयद बाबा की यहाँ मुझे लेके आती थी। हाँ, 48वां उर्स है बाबा से कालू सैयद बाबा का, उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं देर से पहुँचा हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन अपने घर आकर कालू सैयद बाबा के आंगन में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही। इतने ज़्यादा भक्तगण हैं और उनसे मैं आदरपूर्वक विनयपूर्वक उनसे निवेदन करता हूँ कि सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, अपना फैज सभी के ऊपर बरसाए, सभी के घरों में खूब खुशहाली हो और मेरा हिंदुस्तान अमन और चैन से आगे बढ़े, खूब तरक्की हो, विकास हो, यही मांग मैंने कानून से मांगा। कालाडूंगी विधानसभा के वैल पड़ाव रतनपुर ग्राम सभा के बूथ संख्या 6 में सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी और विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी के नेतृत्व में भुवन तिवारी की आवास में विधायक बनने पर बंशीधर भगत के प्रथम आगमन पर ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक बंशीधर भगत ने बूथ संख्या 6 के ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। वहीं ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं में पीने का पानी, नहरों की जर्जर हालत रही। विधायक ने विधायक निधि से 4 किलोमीटर नहरों के निर्माण के लिए लघु सिंचाई को निर्देश दिए। देखिए, मैं काफ़ी समय से बूथों पर कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं बूथों की प्राथमिकताएं ले रहा हूँ वहाँ पर। हालांकि लोग तो अपने गांव की सारी समस्याएं एक साथ दे दे रहे हैं, इतने होने नहीं, बजट के हिसाब से होने, तो इसमें स्क्रीनिंग करेंगे, जो अति आवश्यक हैं उनको लेंगे और उनको करेंगे। आज यहाँ पर भी पानी, बिजली, सड़क, खलंजा, डिग्गी, तमाम समस्याएँ आई हुई, इसमें स्क्रीनिंग करके देखेंगे कौन सा काम हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि धन का बड़ा अभाव है, पैसा है नहीं, जो भी संभव होगा। लक्सर तहसील सभागार में हरिद्वार जिले के लेखपालों ने बैठक कर DM पर भगवानपुर में आयोजित तहसील दिवस में लेखपाल और कानून गो के लिए निंदनीय शब्द कहने का आरोप लगाकर रोष जताया है। साथ ही बैठक में ये तय किया गया कि 31 मई के बाद कोई लेखपाल एक से ज्यादा सर्किल की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उत्तराखंड लेखपाल संघ के हरिद्वार जिला इकाई की लक्सर, रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों के लेखपालों ने लक्सर तहसील सभागार में बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीती 1 मई को भगवानपुर में आयोजित तहसील दिवस में हरिद्वार DM ने लेखपाल और कानून गो के लिए अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभी लेखपालों ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। साथ ही सर्वसम्मति से इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। आज हमारे उत्तराखंड लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई लक्सर सभागार में, और जैसा कि हमारा चारों तहसील रुड़की, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की भगवानपुर, चारों तहसीलों के जो हमारे सभी सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के परिवेश में हम पे कार्य की अधिकता इतना है, कार्य का दबाव इतना ज़्यादा है, अन्य विभागों का इतना कार्य हमसे लिया जा रहा है, और जनपद में स्वीकृत कुल 156 पद के सापेक्ष आज हमारे जनपद में केवल 84 पद यहाँ पर शेष रह गए हैं, बाकी शेष जो है रिक्त चल रहे हैं, यानी 40% से भी अधिक हमारे जो है पद जो हैं रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में जब हमारे पास जो लेखपाल हैं वो बहुत कम हैं और रिक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है,
तो हमारे पास अतिरिक्त सर्किल जो है सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जिलाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में, तहसील में अतिरिक्त क्षेत्र जो हैं वो पटवारियों को दे दें, लेखपालों को दे दें। तो ये जो लेखपाल अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उनसे इतना अधिक हम पे कार्य का दबाव है, और आप देख रहे हैं कि इससे जब एक लेखपाल के पास तीन तीन चार चार सर्किल रहता है तो उसके पास कार्य करने की अपनी क्षमता कम हो रही है, अपनी कार्य की गुणवत्ता भी कम हो रही है, और साथ ही साथ उसके जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। एक ही सर्किल का हम कार्य पूरा नहीं कर पाते तो तीन तीन सर्किल को कैसे संतुष्ट कर देंगे, इतना कार्य अधिकता है। तो आज सर्वसम्मति से पूरे ज़िले ने ये निर्णय लिया है, जैसा कि पहले में ये निर्णय लिया जा चुका है और उप जिलाधिकारियों को इसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है पूर्व में ही। दिनांक 1 जून 2022 से जो भी एक्स्ट्रा सर्किल हैं उसका कार्य कोई भी लेखपाल जनपद का नहीं करेगा। जोहार मुंसियारी डॉक्टर्स एसोसिएशन हल्द्वानी द्वारा 15वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विकासखंड मुंसियारी के तमाम क्षेत्र और गांवों में आगामी 31 मई से लेकर 3 जून तक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 31 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजम और ग्राम पंचायत सैन राठी में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा और 1 जून और 2 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी में और 3 जून को ग्राम इमला में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले मुकेश की शादी 2015 में काशीपुर के रहने वाली उर्मिला से हुई थी और शादी के बाद मुकेश अपनी पत्नी की खातिर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़ काशीपुर में ही रहने लगा। इसी बीच पत्नी का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले फैजान से हो गया। दोनों की लव स्टोरी में रोड़ा बन रहे मासूम पति को रास्ते से हटाने के लिए आशिक फैजान और प्रेमिका उर्मिला ने हत्या की साजिश रच डाली। 30 अप्रैल को शराब पिलाने के बहाने बेवफा पत्नी का आशिक फैजान मुकेश को ढेला नदी के किनारे ले गया, फिर वहां सिर पर डंडे से जोरदार हमला कर दुपट्टे से उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसके शव को वहीं दबा दिया गया, जिसके बाद कातिल बीवी ने गुमशुदा का नाम देकर मामले को छुपाकर अपनी प्रेम कहानी की नाव को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बहू की बात पर जब मृतक मुकेश की मां को भरोसा नहीं हुआ तो मां ने लापता बेटे की काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस बूढ़ी मां की बात सुनकर मामले की तफ्तीश में लग गई और पूरे प्रेम जाल की हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए प्रेमी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया। ऐसी एक महिला है जिनके द्वारा बताया गया कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से लापता है और इस पर उन्होंने थाने में सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और सास से पूछताछ की और ये पता लगा कि फैजान से उनकी पत्नी के अवैध संबंध हैं और फैजान क्योंकि गायब है, फैजान को उसका पता किया गया और हिरासत में लिया गया और पूछताछ पर फैजान ने बताया कि हाँ, उसके द्वारा मुकेश की हत्या कर दी गई है और सब को ढेला नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया गया। उसकी मौजूदगी में उसकी जब अभियुक्त को मौके पर ले गए तो शव को बरामद किया गया है और उसने शव बरामद कराया जिसमें शव की पहचान हो गई, वो मुकेश है जिसकी उम्र 36 साल है और फैजान और उसकी पत्नी जिनका ये दोनों का षड्यंत्र था उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी से पहले ही ये दोनों जो मृतक की पत्नी और फैजान हैं इनके जो है आपस में प्रेम संबंध रहे होंगे और उसके बाद शादी हो गई तो वो दोनों फिर से वो प्रेम संबंध उनके बरकरार रहे और मुकेश जो है बीच में उनका अवरोध बन रहा था तो उन्होंने मुकेश को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जिसके तहत जो है फैजान ने 30 तारीख की रात्रि को उसको ढेला नदी पर बुलाया और खूब शराब पिलाई और उसके बाद सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पूरा मृत्यु की तस्दीक करने के लिए उन्होंने उसका जो उर्मिला के द्वारा दुपट्टा दिया गया था उसका प्रयोग करते हुए उसका गला भी घोटा, मृतक का गला भी घोटा जो कि बरामदगी हो गई शव से और डंडा भी बरामद हो गया है। पूर्व में 2020 में जो है एक बलवे का मुकदमा दर्ज है जो कि पुलिस टीम पर इसके द्वारा अपने साथियों के साथ हमला किया गया था और इसमें 240/2020 FIR नंबर है जिसमें 147, 48, 394, 323, 353 और 188 IPC का अभियुक्त पंजीकृत है और इसमें चार्जशीट भी चली गई है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों की नकदी और लगभग 7 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पकड़े गए युवक के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, पुलिस को देखकर एक युवक ने भागने का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने युवक का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस को युवक के पास से लगभग 7 ग्राम स्मैक और स्मैक बेचकर प्राप्त की गई 1,03,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। CO मन्ना वर्मा ने बताया कि युवक के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये लगातार सूचना आ रही थी कि बाजपुर क्षेत्र में कुछ युवक स्मैक वगैरह का धंधा कर रहे हैं, तो इस पर हमारी टीम सतर्क थी
और इस पर हम लोग कल शाम जब इसमें चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान केशुवाला मोड़ से इसमें बब्बू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7.37 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही साथ कुछ उसके द्वारा जो माल बेचा गया उसके 1,03,200 रुपये से बरामद हुए हैं और उसके पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोनों को चेक किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लोगों से इसकी बातचीत और इसके मैसेजेस मिले हैं। उसके आधार पर भी इस मुकदमे में हम लोग अन्य लोगों को देखेंगे कि उनके क्या रोल है इस मुकदमे में उनका। इसके साथ ही इसका बताया जा रहा है कि किसी इकराम से इसने ये खरीदी है और आगे इसे बेच रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें इसको गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्दी इसमें अन्य लोगों की भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में ढंडेरी गांव के पास कल सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सब्जियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार परिवार के दक्ष नाम के एक 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई और दीपक और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार सावन नाम के 12 साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई है और अर्पित नाम के एक बच्चे सहित 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि सांताशाह गाँव निवासी एक परिवार के 8 महीने के बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसको रुड़की के किसी अस्पताल में आ रहे थे। ढंडेरी गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सब्जियां भरकर सब्जी मंडी के लिए निकले थे। ढंडेरी गांव के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली को शांतर शाह निवासी परिवार की कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त की कार में सवार 8 महीने के दक्ष की मौत हो गई और दीपक और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार सावन नाम के 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और अर्पित नाम का 11 साल का एक बच्चा और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दीपक और पूजा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अर्पित और अन्य घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में ही किया जा रहा है। घर से चलने पर मैं राम राम से अपने चाचा का जी अब पीछे था मैं राम राम से चली रही थी जी, हमें क्या मतलब था कुछ करने का जी। पीछे तो मारती बड़ा उनका सी साइड मारी ऐसी टक्कर मारी जी कि ट्रैक्टर को कंट्रोल करना मौत हो गया मुझे जी। ट्रैक्टर पे साइड रखते ट्रैक्टर आप चला रहे थे? हाँ जी। अगर कहे मैं जावा ट्रैक्टर भाई जी, वो जब मैं स्टीयरिंग मोड़ा तो ट्रैक्टर एकदम पलटा मार गया जी, मत लगा सड़क पर जाएगा जी, सिर के पर जी। और जी ये मेरा बड़ा भाई और जी मेरे 2 भतीजे मेरा लड़का और मेरे 2 भतीजे और मेरा पिताजी और ये बेचारा जो खड़ा मर गया, ये ट्रैक्टर के तरह तबे पड़े रहे जी। मैं लोगों को बागों के तरह भागा, फिर आठ महीने जुड़े मुका जी करीब करवा दे, मेरा ट्रैक्टर करवा करवा दे, मेरा बच्चा करवा दे। वो बच्चा काटा जी उनसे बच्चा काट के मारते वाला मैं यहाँ लेकर आएगा 3 जनों जी सर और मेरे बच्चे को। जैसे वो बच्चे को कंधे पर गैर का भित्तर लेकर गा पड़ाया मन ना, मेरे बच्चे का देखभाल भी नहीं करी, मेरे बच्चे का एक चिक्कर मेरे पड़ा एक पान लटक रहा था, लटका ही रहा भाई इसको भी। और मुझे एक आदमी ने इनके स्टाफ ने मुझे हाथ पकड़ कर बाहर काटा और मन ने सोते उठाए का मेरा मतलब एक अलग कमरे में पड़ा रहे, एक अलग में पड़ा। और फिर भी मुझे बहुत दूर से दिखा रहे अगले तुमने अपना पड़ता को बात कर रहे जी, मेरा पिता 10 मिनट यहाँ से बैंक को बड़ा बड़ा चक्कर खाकर तड़क रहा, फिर लेकर बात करेंगे बताओ लेकर जाएंगे सर। एक तो खोए जाए हमने कहीं सबको खोए लेते जब अपने जी बताओ ये कहानी हुई जी। तो यहाँ के जो स्टाफ का नाइट का जो स्टाफ था उन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी? और जी जो दूसरा टक्कर मारी ना उनका एकदम वो करने लगे हैं इलाज जी, बड़ा इलाज करना शुरू कर दिया 20 मिनट बाद आए तो कोई कहानी हुई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण के ग्राम पंचायत गैर गांव में वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक किया। अल्मोड़ा वन प्रभाग DFO महातीम यादव, भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत द्वारा गैर गांव में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं वन विभाग द्वारा आयोजित वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी में वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को वनों से आग से बचाने के उपायों की जानकारी दी। वन विभाग की सुरक्षा गोष्ठी में वनों को आग से बचाओ, गर्मी के मौसम में पहाड़ वनाग्नि से धधक रहे हैं, ग्रामीणों ने वन विभाग का सहयोग करने के लिए जागरूक किया। वन और वन जीवन की सुरक्षा पर चर्चा की गई, ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में जागरूक किया गया। आज दिनांक 29 मई 2022 को रानीखेत वन क्षेत्र के गैरगांव पंतगांव क्षेत्र में अल्मोड़ा वन प्रभाग तथा रानीखेत भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से वनाग्नि रोकथाम गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों से बात की गई और तथा महिला मंगल दलों से भी बात की गई कि किस तरीके से समाज के विभिन्न अंगों को जिसमें कि वन पंचायतें हैं, महिलाएं हैं और क्षेत्रवासी हैं, उनको जोड़कर किस तरीके से हम एक संयुक्त रणनीति बना सकते हैं कि और आने वाले समय में जो भी वनाग्नि घटनाएं होती हैं उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, इस पर एक विधिवत चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि भविष्य में यहाँ पर एक क्षेत्र में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कि जिसके तहत ये वनाग्नि सुरक्षा कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।